फोटो हो जाए तो बताना, बाइक ले लेंगे दिलीप भाई की वापस। मैं महाकाल, मैं संगीतकार दिलीप सेन, और आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे अपने चैनल में बहुत ही जल्द मतलब BLF लाइव OTT प्लेटफॉर्म खुला है, मतलब चैनल खुला है और BLF लाइव म्यूजिक कंपनी खुली है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है और लगता है भविष्य में अब और लोगों को बहुत काम मिलेगा और अपकमिंग जितने भी हैं उनको सबको काम मिलेगा। और मैं इसरार भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार कर रहा हूँ और डॉक्टर विजय शर्मा साहब आपका भी कर रहा हूँ कि आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और इसरार भाई को भी अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। और बस इसको डाउनलोड करिएगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सब अपना इसमें भविष्य भी आजमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे गाने जो इसको अगर करेंगे और सीधे डाउनलोड भी, सबसे खुशी की बात यह है कि OTT प्लेटफॉर्म अभी सबके लिए फ्री है। और इससे एक सबसे बड़ी बेनिफिट ये होगा कि डाउनलोड करने वाले अगर इसके अंदर हमको वीडियो वगैरह भेजेंगे तो हम उनको ऑडिशन भी होंगे इस तरह उसमें, तो उनको हम हमारे इस BLF लाइव में हम लोग उनको एज ए म्यूजिक में या एज ए एक्टिंग में भी ब्रेक देंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको डाउनलोड कीजिए, देखिए, क्योंकि इस तरीके का ये बहुत ही प्यारा आया है 2023 के लिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। गाने की सबसे बड़ी खासियत है गाना जो मतलब एक गज़ल बेस्ड गाना है और इसको बहुत ही शानदार तरह से मतलब अल्तमश फरीदी ने गाया है। तो कश्मीर की वादियों में इसको शूट किया गया है। ये हमारी म्यूजिक कंपनी का पहला गाना आज रिलीज हो रहा है, ये तेरी गलियों में है। इसका सेकंड जो गाना हमारा बैक विंडो से आ जाना, वो गाना भी बहुत माइंड ब्लोइंग आइटम सॉन्ग है। ये दो गाने आज हम रिलीज कर रहे हैं। ये गाना मैं एज ए प्रोड्यूसर हूँ, इसमें इस गाने को डायरेक्ट किया हमारे इसरार भाई ने, तो यही उसका फील बता सकते हैं। वाह, क्या पूछना चाहती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कश्मीर की वादी में से रखता है मेरा सेकंड होम है और मेरा बस चले तो मैं हर महीने जाऊँ। ऑलमोस्ट मैंने पूरा कश्मीर कवर किया है, जितनी नॉन प्लेस है, सोनमर्ग, गुलमर्ग, दूधपत्री, श्रीनगर और आपके पहलगाम, कुछ नहीं बाकी रखा मैंने। बिल्कुल नहीं सर, दे आर वेरी कोऑपरेटिव, आउट ऑफ वे जाके कोऑपरेट करते हैं, मेहमान नवाजी में एक नंबर है। मुझे लगता है ये मीडिया हाइप करती है, वरना कोई डर नहीं। मैं तो 17-18 दिन रहता हूँ, रात को 2-2 बजे भी खाना खा के इसे यहाँ घूमता हूँ, आदत है फिर वैसे वहाँ भी है। कोई डर नहीं मैडम, मैं तो बोलता हूँ आप पूरे फैमिली के साथ जाइए, आप बार बार जाइए। बिल्कुल देंगे आपको, देखने में लगेगा अच्छा, आपको आई प्रेजिंग भी, आपको खूबसूरत गाना बहुत अच्छा वर्मा जी ने बनाया है, मेहनत करके उसने बहुत अच्छा गाया है, रवि जी ने हमारे बहुत अच्छा लिखा है, शिवाजी ने कंपोज किया है। तो हमने कोशिश की उस गानों को बड़ा करने के लिए, उसमें हमने समीर मार्क जो हमारे बहुत मशहूर इंस्टा पे आज की तारीख में इन्फ्लुएंसर हैं जिनको पूरी दुनिया जानती है, उनको एज ए हीरो कास्ट किया है। हीरोइन मैंने वही कश्मीर से ही ली है, आप खुद देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। चार्ज कर दिया मैं। कोई बात नहीं, एक मिनट आने दो यार, मेरे सुपरस्टार रवि चोपड़ा जी। थैंक यू वेरी मच सर। चाहेंगे आज BLF लाइव का लॉन्चिंग है? Yes, of course. My best wishes for BLF, and I'm sure it's going to rock it because it has many talented people out here. Everybody, and I'm feeling very honored to be a part of this launch. And I wish them best of luck. And yeah, wish them more success. Download more and more. Yeah.
And बिल्कुल मैंने इनके साथ काम किया है आगे भी एंड मैं चाहती हूँ कि इनका ये जो ओपन कर रहे हैं एक नई शुरुआत कर रहे हैं तो पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक एंड मैं चाहती हूँ कि मैं भी इसमें आपके साथ जुड़ूँ एंड आप भी देखिए कि हम लोग इसमें और क्या क्या करें डाउनलोड करिए ये ऐप एंड नए नए एपिसोड आते रहेंगे थैंक यू ये हमारा राइटर है अमित गुप्ता छोटे भाई हैं मेरे सबसे पहले तो मैं ब्रिजेश भाई को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ इस ओटीटी के लिए जो आज लॉन्चिंग है डीएलएफ लाइव है ना तो भाई मैं चाहता हूँ कि अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट इस पर रिलीज़ करें ताकि हम लोग को भी काम मिले और जो लोग हैं टैलेंटेड उनका भी प्रोजेक्ट इस पर रिलीज़ हो बहुत बहुत शुक्रिया ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड हो जी सर रवि चोपड़ा रवि भाई रवि अखाड़े रवि अखाड़े कोरियोग्राफर है हमारे कोरियोग्राफर यानी कि आज जो गाना रिलीज होने वाला है आई वेल थैंक मिस्टर बीएस सर फॉर गिविंग चांस टू वर्किंग फॉर बीएलएफ लाइव इट्स द फर्स्ट प्रोजेक्ट हम आगे और काम करेंगे आई रियली विश हिम ऑल द बेस्ट इन फ्यूचर एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट थैंक यू वेरी मच और एक बात और ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड कीजिए ऐसा बीएलएफ लाइव हाँ उसको एक एक्सट्रीम लेवल ले जाइए जी सर आप क्या कुछ शुभकामनाएं मैं सबसे पहले सर को शुभकामनाएं दूंगा एक अच्छी शुरुआत कर रहे हैं आज ज़रूरत है इस प्लेटफॉर्म की नए लोगों को मौका इन्हीं ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मिलता है बीएलएफ लाइव को मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और आज वैसे भी जन्माष्टमी है तो कन्हैया जी इनका सपना पूरा करें हम सबका सपना पूरा करें थैंक यू थैंक यू थैंक यू सबसे पहले तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है और आज डॉक्टर ब्रिजेश वर्मा जी ने सोचा है बहुत ही बड़ा काम उन्होंने स्टार्ट किया है बहुत बहुत ढेर सारे बधाइयाँ ओटीटी प्लेटफॉर्म बनाना कोई आसान बात तो है नहीं बहुत बड़ा काम है और आपने इसको शुरुआत किया है मेरे ढेर सारे बधाइयाँ बीएलएफ म्यूज़िक को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ आज म्यूज़िक लॉन्च है दो गाने का बहुत ही अच्छा गाना मैंने सुना है बहुत ही बढ़िया बहुत बहुत बधाई बस ये कहना है तो आगे बढ़े हम भगवान करे आप और अच्छा काम करें थैंक यू मैडम थैंक यू वेरी मच और एक सबसे बड़ी बात है मधुश्री मैडम बहुत बड़ी सिंगर है बाहुबली में भी गाना गाया उन्होंने अच्छा मतलब बड़े लेवल के सॉन्ग्स गाए कल एक सौभाग्य मिला एक बेटी की विदाई वाला गाना बहुत टाइम से नहीं आया था तो मैंने मेरे राइटर को बोला कि मतलब यार मुझे बेटी की विदाई पे गाना चाहिए राजी जैसा तो बहुत अच्छा लिरिक्स हुआ है उसमें अच्छा कंपोजिशन बना है और फाइनली कल हमने रिकॉर्ड करा मधुश्री मैडम की वॉइस में और वो अल्टीमेट मतलब रिकॉर्ड हुआ है और वो आएगा तो हो सकता है मतलब रिकॉर्ड तोड़ बने तो मैं चाहूँगा कि एक मुखड़ा उसका मैडम की आवाज़ में सुने काली मैंने गाना गाया था तो मेरे ख्याल से गाना जब रिलीज होगा तभी और अच्छा रहेगा मैं इसे भी ये कहना चाहूँगी आपने बहुत बड़ा कदम उठाया है इसमें म्यूज़िक इंडस्ट्री का और जो एंटरटेन इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा है म्यूजिशियन को काम मिलेगा सिंगर्स को काम मिलेगा ओटीटी प्लेटफॉर्म में फिल्म बनाएंगे एल्बम बनाएंगे बिल्कुल बिल्कुल और भी बहुत कुछ करेंगे जिसमें एंटरटेन सेक्शन में तो बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा बहुत दुआएं मिलेंगी आपको आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें यही आपको दुआएँ हैं आशीर्वाद है और शुभकामनाएँ हैं एक लाइन बोलती है सवाल रखते हैं
पाएगी बट एक्चुअली अच्छा चाहूँगी। मैंने बहुत फिल्मों में गाना गाया, बहुत एल्बम में गाया। आप जो सुन रहे हो तो रिलीज्ड है, इससे ज़्यादा गाना मैंने गाया जो रिलीज़ नहीं हुआ। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सिंगर्स का भी यही हाल है। हम लोग गाते तो हैं, बड़े बड़े फिल्म रिलीज़ हो जाती है, गाना हिट हो जाता है तो नज़र पे आता है, लेकिन बहुत अच्छा अच्छा गाना, अच्छे अच्छे फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाने के कारण लोगों तक नहीं पहुँचता। आज का जो ऑनलाइन और OTT चैनल जो आए हैं, एक बहुत अच्छा पैगाम लेके आए हैं, सबके लिए एक सहारा बन के आए हैं। इसमें क्या होगा, जो काम करते हैं, क्योंकि सब देखिए काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जो काम करते हैं वो लोगों तक सुनना चाहिए, आना चाहिए, और ये OTT प्लेटफॉर्म के ज़रिए आएगा, ये बहुत खुशी है मुझे। आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी और सब लोगों की दुआएं आपको। सबसे अच्छा भजन जो है बाहुबली 2, कान्हा सो जा जरा, ये तो है ही, पूरी दुनिया जानते हैं। और रियली आई एम ब्लेस्ड, क्योंकि हर साल जन्माष्टमी ये गाना बजेगा। जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो म्यूज़िक डायरेक्टर MM किरवानी जी ने ये कहा कि मधु जी, ये जो आप गाना गा रहे हैं, हर साल जन्माष्टमी में ये गाना बजेगा। तो बहुत ही भगवान की कृपा है। और 3 दिन पहले मैंने एक गाना गाया जो रिलीज़ हो चुकी है कल, वो भी जन्माष्टमी का गाना है, उसको भी एक दौरान में सुनाऊंगी। पहले तो मोरे बंसी बजैया दिलाना कन्हैया, मोरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मोहे मोहे ऐसे नहीं छेड़ सावरे, सुनो सुनो मोसे नहीं खेल दावरे, जाके यशोदा से कह दो गिरे, कान्हा सो जा जरा। और परसों जो गाना रिलीज़ हो चुका है वो भी बहुत अच्छा है, माई मुझसे काहे तू तो बोलत नाही बोलत नाही, ये सुहाना म्यूज़िक ने रिलीज़ किया है, बहुत ही अच्छा गाना। जब कृष्ण भगवान यशोदा मैया को मना रहे हैं, उनसे बात नहीं कर रही थी वो, तो मना रहे हैं, माई मुझसे काहे तू तो बोलत नाही बोलत नाही। एक साउथ का जो सबसे पॉपुलर गाना है आपका, उसकी एक लाइन सुनाइए। साउथ में जितना गाना मैंने गाया 90% सुपर हिट हो चुका है ये, क्योंकि कुछ भी कहें ऊपर वाला का, जब तक ब्लेसिंग्स नहीं मिलता है कुछ नहीं होता है। तो ये गाना एक छोटी सी फिल्म है लेकिन सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और मुझे आज अभी तक मैं 10 अवार्ड मुझे मिल चुका है इस गाने के लिए। बहुत ही अच्छा गाना है यार रहमान का म्यूज़िक। हे मल्ले पूच विच वाड़ दे अंद बिल्ली नीला वंद वंद तेड़ दे मचा पोवरा पोरे मचे पोवरा पोरे पतु तला पांगो वंद मुतो तारा पोरे नावता
लाइव का जो लॉन्चिंग है उस बारे में सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा ब्रिजेश भाई को BLF लाइव म्यूजिक के लिए, और मैं इनके साथ में फर्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है इनके साथ काम करने में। इंशाल्लाह मैं आगे भी काम करूँगा इनके साथ। और गाने के बारे में कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें ये सॉन्ग शूट में तो मुझे काफ़ी मज़ा आया। इसमें शायद मैं 3 से 4 दिन था और इसरार अंकल के साथ मुझे हमेशा से अच्छा ही लगा है काम करने में। और ये बहुत ही स्वीट पर्सन है, काफ़ी कुछ सिखाते हैं लोगों को कि कैसे एक्टिंग करना चाहिए। लाइक मैं एक्टिंग में थोड़ा बहुत डाउन था, बट इनके साथ करने के बाद ऐसा लग रहा था मेरी क्लास चल रही थी एक्टिंग की, और मैंने इसमें काफ़ी अपने आप को बेहतर किया हूँ। और इंशाल्लाह आगे मैं बहुत बेहतर करूँगा अपना। गाना भी अच्छा और गाना काफ़ी अच्छा है। सर आपसे कहना चाहेंगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट कुछ होगा इनके साथ? 100% हाँ, बिल्कुल। समीर भाई के साथ म्यूजिक एल्बम चलते रहेंगे, पॉपुलर इन्फ्लुएंसर रहेंगे, एक्टिंग बढ़िया की उन्होंने, तो म्यूजिक तो कंप्लीट करेगी। 40 गाने हैं आने वाले समय में, 200-250 गाने बनाने हैं। तो समीर भाई जैसे आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट तो हमेशा लगी रही। और BLF लाइव OTT के लिए मैं बहुत ही शुभकामना देता हूँ भाई को, ये बहुत आगे बढ़े और डाउनलोड। वो बहुत ही अच्छे सिंगर हैं और काफ़ी उनके सॉन्ग्स मैंने सुना, मुझे बहुत पसंद है। और ये एक मेरा मतलब एक बताने प्राउड मोमेंट है कि वो मेरे लिए सॉन्ग कर रहे हैं और उनके साथ में काम कर रहे हैं। दो गाने और भी है, वर्मा जी का भी है। अच्छा, वर्मा जी की भी है। कश्मीर के शूटिंग पे मैं सिर्फ वहाँ पे काजू बादाम खाया हूँ। प्रॉपर डाइट पे था तो वहाँ पे सिर्फ मैं अंडे और चिकन ढूंढता था, वहाँ पे वो नहीं मिल रहे थे तो मैं सिर्फ काजू बादाम ड्राई फ्रूट्स ही खा रहा था वहाँ पे। और वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा थी, मुझे ही पता है कि मैंने शूट वहाँ पे कैसे किया हूँ। और जो एक्ट्रेस थी भी, वो जो एक्ट्रेस थी काफ़ी डिसेंट स्वीट थी, तो मज़ा आया मुझे काम करने में। सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा आया इसरार अंकल के साथ काम करने में। मैं बोलना चाहूँगा गाइज, आप लोग सबसे पहले तो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, बिकॉज वो है तो आपका कहाँ है। उनको खुश रखो, आपको सक्सेस मिलेगी लाइफ में। और एक चीज़, हमेशा अपने पैशन को फॉलो करो, बिकॉज मैं अपने पैशन को फॉलो किया हूँ 2014 से और आज मैं यहाँ पे हूँ। तो आप लोग फॉलो करो, लाइफ में कितने भी गिराव चढ़ाव आएंगे, बट उससे हटना मत, फोकस रहना, पॉजिटिव थिंकिंग रखना लाइफ में, और कभी किसी के साथ गलत मत करना। मैंने फोड़ा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं देखता आया हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और मेरे काफ़ी सारे हिंदू फ्रेंड्स हैं मेरे जो करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। उनके बारे में काफ़ी पढ़ा हूँ मैं, महाभारत भगवत गीता पढ़ा भी हूँ, काफ़ी कुछ नॉलेज भी है, तो ये अच्छा लगता है। और हम सबको भाई भाई जैसा रहना चाहिए, एक दूसरे के त्यौहार में मिल बांट के रहना चाहिए। ये शूटिंग के दौरान सेट पे कैसा माहौल होता था और ऐसा क्या अच्छा था जो आप लाइफ टाइम आपके लिए यादें बनी होगी, और ऐसा क्या है जो आप कभी याद नहीं करना चाहेंगे? सेट्स पे तो मतलब हम लोग बहुत फ्रेंडली होते थे, ऐसा पता नहीं चलता था कि हम शूटिंग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि हम वीडियोज़ बना रहे नॉर्मल। जैसे फैज़ भाई जो इनके सन है, वो मेरे अच्छे खासे दोस्त है, तो मज़ा ही आता था सेट पर। ऐसा ऐसा लगता है नहीं था शूटिंग हो रहा है, पिकनिक हो रही है लाइक। आप अकेले आपकी रूम में? मैं अकेला ही हूँ, बट मेरा बचपन का दोस्त है दिलजान, उसको मैं बुलाना चाहूँगा। दिलजान, मैं सबसे पहले BLF लाइव को बधाई दूँ और BLF म्यूजिक को बधाई दूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका OTT खुद का प्लेटफॉर्म आया लाइव का, और साथ साथ समीर का सॉन्ग आया है। मैं पूरा ही लाइक श्योर हूँ कि ये सॉन्ग बहुत अच्छा होगा, क्योंकि तो समीर के प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं और इस अंकल साथ में है तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होगा, एंड होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू। सबसे पहले देश दुनिया के सभी लोगों को, और महाराष्ट्र में सबसे खूबसूरत आज त्यौहार चल रहा है जन्माष्टमी का, बहुत धूमधाम से लोग मना रहे हैं, सबको नमस्कार आदाब अस्सलाम वालेकुम। ये BLF लाइव जो म्यूज़िक है, राजेश जी ने इसकी शुरुआत की है और इसके ऊपर बहुत सारे इंशाल्लाह आपको म्यूज़िक वीडियो देखने को मिलेंगे, बहुत सारे अलग अलग तरह के कंटेंट मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी समय से फिल्म इंडस्ट्री में बिल्कुल बॉलीवुड बिल्कुल शांत हो गया था, आप देख रहे हैं कि बॉलीवुड में बहुत घबराए हुए थे सभी लोग, सभी फील्ड से एक्टर हों, प्रोड्यूसर हों, डायरेक्टर हों, लेकिन वापस से बॉलीवुड में रौनक सी आ गई है।
आप देख रहे हो फिल्में हिट हो रही हैं, पहले पठान हुई थी, अभी गदर और आज जवान भी लगभग लगभग सुपर हिट ही है। और इसी तरह से ये जो बी एल एफ लाइव और आज एक बड़ा बड़ा प्यारा ये गाना भी रिलीज़ हो रहा है, अल्तमश फरीदी जो हमारे बड़े ही प्यारे दोस्त भाई हैं सिंगर, उनकी आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में छा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से वो अल्तमश भाई भी अपनी आवाज़ का जादू बरकरार रखेंगे और आप सबको एक से एक गाने उनके आवाज़ में सुनने को मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। और खास करके इसरार भाई की बात, इसरार भाई की जितनी भी तारीफ करो कम है कि आज वो एक डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, लगभग उनके खुद के भी बहुत सारे चैनल हैं। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि आप सब इस तरह से देख रहे हैं, बीच में बॉलीवुड एकदम शांत हो गया था और साउथ की फिल्म इंडस्ट्री बहुत ऊपर आ गई थी, लोग बोले थे बॉलीवुड ख़त्म हो गया। तो मैं इसके बारे में आप कुछ बताना चाहता हूँ कि राज कपूर साहब ने एक बात कही थी, द शो मस्ट गो ऑन, जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक सिनेमा रहेगा, जब तक लोग आजकल जैसे आप देखते हो कि जैसे नौटंकी कहते हैं कि अगर कहीं रास्ते में कोई एक शराब पी के भी ज़रा सा नाटक करने लगता है तो 10 आदमी उसको देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो सिनेमा और इंटरटेनमेंट कभी नहीं मरेगा, कभी नहीं दबेगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैं भी बीच में बहुत शांत था, घबराया हुआ था, क्योंकि काम की बहुत कमी हो गई थी बॉलीवुड में, लोग सब घबरा गए थे। लेकिन वापस से माशाल्लाह फिल्में मिलनी शुरू हो गई, मुझे भी सबको काम मिलना शुरू हो गया और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से सब ये नए नए जो भी BLF राजेश भाई ने जो शुरू किया है कि ये इसी तरह से नए नए प्लेटफॉर्म खोलेंगे तो नए नए लोगों को काम मिलेगा और सब नए नए तरीके से अपना पर्दापण करेंगे। नया कभी ना कभी कोई ना कोई नया होता ही है और नया होने के बाद ही वो आगे जाके कुछ कर पाता है, क्योंकि नया कभी ना कभी शाहरुख खान साहब भी नए थे, कभी ना कभी बच्चन साहब भी नए थे। इसी तरीके से क्या होता है कि जब एक इंसान नया होता है तो धीरे धीरे वो पुराना भी होता है। तो आप सब BLF को और राजेश भाई को, इसरार भाई को आप सब खूब सारा प्यार दें, आशीर्वाद दें, दुआएं दें, क्योंकि क्या होता है कि आपके प्यार और दुआओं के बिना दुनिया में कुछ भी नहीं हो पाता है। और एक्चुअली आपके दुआ और प्यार की बदौलत ही सब कुछ हो पाता है। तो माशाल्लाह कि आप सब प्यार दुआएं अपना आशीर्वाद देते रहें। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस माई बिग ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। बहुत दिलदार इंसान हैं वर्मा जी हमारे, और इंडस्ट्री में तो खैर ये अभी थोड़े टाइम से आए हैं, बट ये माशाल्लाह अपना जलवा इंदौर में एक भाई का जो क्रेज़ मैंने देखा है, जो इनका नाम है और सब लोग जो इनसे प्यार करते हैं, सब लोग जो जुड़ते हैं इनके साथ, तो उस चीज़ की बहुत तारीफ़ है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो नाम आपने इंदौर शहर और पूरे MP में बनाया, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे बॉलीवुड में भी हमारे ब्रिजेश भाई BLF जो है मज़ा ज़िंदगी का OTT जो है लाइव, उसको मैं मेरी तरफ से तहे दिल से मुबारकबाद। और ये गाना हमारा आया है आज, और मैं उम्मीद करता हूँ जैसे और भी मेरे गानों को प्यार मिलता है, इस गाने को भी उतना ही प्यार मिलेगा। ओके सर, और हमारे जो सुपरस्टार हैं माय ब्रदर, बहुत अच्छा काम किया आपने, तो पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। गाना सुना मैं इधर से चलूं या उधर से चलूं, मैं इधर से चलूं या उधर से चलूं, तेरी गलियों से पहुँचू, तेरी गलियों में पहुँचू, जिधर से चलूं, मैं इधर से चलूं या उधर से चलूं। रवि जी ने लिखा है भाई, रवि चोपड़ा जी
एंड लिरिक्स बाय शिवा चोपड़ा जी, तो उन दोनों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद इस गाने के लिए। प्लान बता दो आप तेरे वास्ते। हाँ अभी मुझे लगता है कि वो वही बताते अभी आएगा तो हिट होगा ये गाना भी। अभी इंतजार हो रहा है, क्या होता है ना गाना अपनी जगह गाना अपनी जगह खुद बनाता है, और मुझे उम्मीद है कि जब ये गाना रिलीज होगा तो आप उसका मजा लेंगे इंशाल्लाह। क्या तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा, चांददारों से कहो ओ भी ठहरे जरा, चांददारों से कहो ओ भी ठहरे जरा, पहले इश्क लड़ा लूं उसके बाद लाऊंगा, पहले इश्क लड़ा लूं उसके बाद लाऊंगा। क्या बात है, थोड़ा सरप्राइज रखूं मैं, क्योंकि पहली अगर कोई चीज हमारी बॉलीवुड में इंडस्ट्री में आपको पता ही है कि पहले अगर उसका खुलासा हो जाए ना तो चीज़ों पे फ़र्क पड़ जाता है, तो मैं नहीं चाहता कि चीज़ों पे फ़र्क पड़े, और जब आए तो फिर आप भी आए हमारे इंटरव्यू के लिए और हम साथ में फिर रॉक करें। और कुछ बोल पहले मैं जो माय बिग ब्रदर हमारे स्टार भाई, ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं और माशाल्लाह इंडस्ट्री में ये मुझसे बहुत पहले हैं और इनका एक्सपीरियंस बहुत कमाल का है और मैं बहुत कुछ सीखता हूँ इसरार भाई से। कमाल के डायरेक्टर हैं, हालांकि हम लोग हमारी मुलाकात हम लोग बहुत पहले से एक दूसरे को जानते थे, बट काम सुजात मामा के साथ सुनी। जी सुजात जी जो म्यूज़िक कंपोज़र हैं, बहुत कमाल के म्यूज़िक कंपोज़र हैं, तो बट बहुत मज़ा आ रहा है हम लोग काम कर रहे हैं साथ में, और मुझे उम्मीद है कि हम ऐसे ही काम करेंगे और सबको पसंद आएगा। दस गाने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कर रहे हैं वर्मा जी के साथ में, भाई आप बताइए कुछ। अभी हाल ही में मतलब हमने 10 गाने का कॉन्ट्रैक्ट किया है अल्तमश भाई के साथ, इसके अलावा एक मेरी फिल्म आ रही है अपकमिंग फिल्म, उसमें भी एक गाना अल्तमश भाई ने गाया है, पेंटिंग द पेंटिंग कोई वास्ता न रखना। क्या बात है, बहुत अच्छा गाना गाया उन्होंने, मस्त मतलब। और आने वाले 10 गाने का कॉन्ट्रैक्ट है, और मान के चले कि मतलब 2023 में हम 10 गानों को कम्प्लीट कर लेंगे। क्या बात है, ताली बजाओ भाई।